सालों से बलगम जमा हुआ है फेफड़ों में, आपको बार बार बीमार करता है? गले में बलगम जमा हुआ सा फील होता है, सर्दी खांसी की परेशानी लगे रहती है, या फिर आपको बार बार एलर्जी होती है? सर्दी जुकाम और खांसी की शिकायत लगातार बने रहती है, या फिर कभी भी अचानक से सर्दी खांसी जुकाम आ जाती है और अचानक से आपको बीमार कर सकती है? और ये सभी प्रॉब्लम सीने में बलगम जमा होने की वजह से ही होती है। ये सीने में बलगम सालों पुराना बलगम भी हो सकता है। और सीने के बलगम को साफ करना बहुत ज़रूरी है, फेफड़े को साफ रखना बहुत ज़रूरी है हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए। तो फेफड़े के बलगम को आप कैसे निकालें, इसी के लिए आज मैं बहुत ही आसान से उपाय लेके आई हूँ। यदि आपके भी फेफड़े में बलगम जमी हुई है और गले में हमेशा बलगम जैसा फील होता है कि कफ रखा हुआ है, बलगम रखा हुआ है आपके गले में, और बहुत दिन से आपका सीने में कफ जमा हुआ है, यदि ऐसा फील हो रहा है और सर्दी खांसी और एलर्जी की समस्या बनी रहती है, तो आज मैं उसके लिए बहुत ही आसान सी छोटा सा उपाय लेके आई। ये उपाय करने से एक से दो बार के इस्तेमाल से ही आपका सीने में जमा हुआ सालों पुराना बलगम एक बार में निकाल के बाहर फेंक देगा। वह फेफड़े में सालों पुराना बलगम जमा हुआ है उसे ये आसानी से निकाल के फेंक सकती है। तो इसके लिए आपको पहले एक गिलास पानी लेनी है और इसे आपको लो फ्लेम में गैस पे चढ़ाना है। तो इसे लो फ्लेम में आप इसे थोड़ा सा पानी को उबलने दें और उसके बाद आपको इसमें तेज पत्ता डाल दें। ये मैं एक दिन के लिए बता रही हूँ और ऐसा आपको करीब सप्ताह दिन तक इसी तरह से बना के रोज खाना है। तो ये आपको मीडियम साइज का दो तेज पत्ता लेना है। तेजपत्ता श्वसन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तेजपत्ता खाने से खांसी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और इन्फ्लुएंजा जैसी सांस से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। तेजपत्ता में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, इससे सूजन भी कम करने में मदद मिलती है और इसके कारण तेजपत्ता श्वसन तंत्र में आई सूजन और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव करता है। तो यहाँ मैंने दो मीडियम साइज का तेजपत्ता को ले लिया। इसी तरह से आपको रोज बनाना है फ्रेंड, जैसे मैं आज बता रही हूँ। अब जो अगली चीज लेनी है वो है अदरक। अदरक सांस से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ठीक करती है, फेफड़े को साफ करती है, बलगम को हटाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, सांस से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ठीक करती है, गले से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ठीक करती है, फेफड़े से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण सूजन को कम करने में हेल्प करती है, साथ ही जो कफ से परेशान है उसे भी ठीक करती है और दमा के मरीज के लिए ये बहुत ही नंबर वन दवाई के रूप में काम करती है। यहाँ पे एक से डेढ़ इंच जितना आपको अदरक लेना है और इसे कूच के या फिर ग्रेट करके इस पानी में आपको डाल देना है। तो ये अदरक के टुकड़े को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे आपको कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से आपको उबालना है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें जब अच्छे से उबाल आने लगे और इसमें अच्छे से उबाल आने के बाद इस तरह से देखिए फ्रेंड, इस तरह से कलर हो जाएगी। तो अब आपको इसमें एक लौंग डाल देना है, बस एक पीस ही डालनी है। इसी तरह से आपको रोज बना के कम से कम 7 दिन तक इसी तरह से सेवन करना है, जैसे आज मैं अभी बता रही हूँ। तो एक ही लौंग एक टाइम में आपको डालना है। तो एक लौंग मैंने इसमें डाल दिया है। लौंग भी फेफड़े के बलगम को साफ करने में बहुत हेल्प करती है, इन्फेक्शन से बचाती है, गले में सूजन और दर्द से आपको राहत दिलाती है। तो लौंग इसमें डाल के अच्छे से उबाल लेना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड, इसमें हल्का हल्का झाग आने लगी है। तो इसी तरह से आपको अच्छे से इसमें उबाल ले आनी है। अब इसके फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ और इसे एक कप या ग्लास में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और अब आपको हल्का इसे ठंडा करने के बाद, हल्का ठंडा कर लिया है, अब आपको इसमें मधु को मिलाना है। मधु गले को साफ करती है, कफ, बलगम, खांसी, सर्दी, जुकाम से आपको राहत दिलाती है। तो मधु यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मधु को इसमें डाल लिया है। और यदि किसी को डायबिटीज़ वगैरह की समस्या है तो वो बिना मधु के ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा मैं अपने घर में बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं इसे किस तरह से सेवन करना है। तो ये जो ड्रिंक मैंने अभी रेडी किया है बना के, उसे आपको आधी ले लेनी है एक छोटे से बाउल में, और ये आधी ड्रिंक को दूसरे दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आधी ड्रिंक मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें आधा कप पानी डाल लीजिए और इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। ये पानी, गुनगुना पानी आप इसमें ऐड करिएगा तो ये काफ़ी फायदे करेगी। तो गुनगुना पानी में ये ड्रिंक जो रेमेडी मैंने रेडी किया था उसमें आपको मिला लेना। ये रेमेडी कम से कम 3 से 4 चम्मच आपको इसमें मिला लेनी है और जो दूसरी रेमेडी बनी बची हुई है आधी वाली,
ये दूसरा दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको डेली बना के पीना है, और ये कम से कम एक सप्ताह पी के देखिए, आपकी सारी फेफड़े की बलगम, सारे सीने की बलगम ये बहुत ही आसानी से साफ कर देगी, आपकी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या ठीक कर देगी, सभी इन्फेक्शन को दूर कर देगी, और गले में हमेशा बलगम जो जमा रहता था वो भी बलगम भी साफ हो जाएगा। सालों पुराना बलगम, फेफड़े में जमा हुआ सालों पुराना बलगम को ये ठीक करने का ताकत रखती है। तो मुझे विश्वास है आप सबों के लिए नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद होगी। बस सिर्फ एक सप्ताह का नियमित इस्तेमाल से सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी के साथ इस नुस्खे को आप ऐड करिए, और सुबह सुबह आप खाली पेट आप इसे पीजिए, और देखिए आपको एक सप्ताह के अंदर अंदर सीने की सभी बलगम को ये साफ कर देगी। सालों पुराना बलगम को ये साफ करने में बहुत मदद करती है। तो मुझे विश्वास है आप सबों के लिए वीडियो बहुत फायदेमंद। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।